उत्तराखंड के हल्द्वानी से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, लेकिन उससे पहले ही डिमोलिशन ड्राइव पर सियासी कोहराम जो है वो मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन व्रत पर बैठ गए हैं, तो समाजवादी पार्टी ने अपने सांसद एसटी हसन की अगुवाई में एक टीम हल्द्वानी भेज दी है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी मैदान जंग में कूद पड़ी है, लेकिन धामी सरकार ने दो टुक जवाब दिया है कि कानून का राज है और अदालत के फैसले का हर हाल में सम्मान किया जाएगा। मामला रेलवे की 78 एकड़ की जमीन पर अवैध कब्जे का है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5 पीएसी की कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। देवभूमि पर अतिक्रमण हटाने पर आक्रोश। कोर्ट के फैसले पर फसाद, कैसे होगा पुनर्वास? रेलवे की जमीन पर कब्जा, अब बेघर होने का खतरा। अतिक्रमण का बवाल, मजहबी चाल। हाईकोर्ट का ऑर्डर, हल्द्वानी बन गया बॉर्डर। आजकल हल्द्वानी के वन भूलपुरा इलाके में हालात कुछ बॉर्डर जैसे ही हैं। वहां पर ना तो कोई बाहरी अंदर दाखिल हो सकता है और ना ही वहां का कोई बाशिंदा बाहर जाने को तैयार है। वजह है रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा। सर्द मौसम में सड़क पर बैठे ये वो लोग हैं जिनके आशियानों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है, जो कभी भी बेघर हो सकते हैं। रंग मजहबी देने की कोशिश हो रही है, ये साबित करने की सियासी चाल चली जा रही है कि इस एक्शन का मकसद सिर्फ एक धर्म को टारगेट करना है। सियासतदान बेघर होने की कगार पर पहुंचे लोगों की मदद का रास्ता सुझाने की बजाय उन्हें उकसाने में लगे हैं। ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने कि हजारों जो हैं लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही इस रेस में आगे नहीं है, कई और भी नेता उकसावे की गंदी राजनीति खेलने से बाज नहीं आ रहे। खुद को समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल बताने वाली राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। हाईकोर्ट बिना सोचे समझे, बिना सारी चीजों को देखे फैसला देती है। मैं समझता हूँ जुडिशरी के इतिहास में ये भी एक बहुत ही गलत फैसला है और बड़ा ही काला दिन है जिस दिन ये फैसला दिया गया है। जहां लोग रह रहे हैं, ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, ये लोग हैं यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट के फैसले को जो है ओके करती है। हाँ, बहुत सीधा मेरा अपना मानना यह है और मैं यही लोगों को कहूंगा भी कि चाहे जान चली जाए लेकिन ये जगह छोड़नी नहीं है, अन्यथा इस तरह से तो ये हर जगह जहां भी चाहेंगे बस्तियां उजाड़ते रहेंगे, क्योंकि यहां पर 90% लोग एक धर्म विशेष के मुस्लिम समाज के रहते हैं, उन्हें उजाड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी की सत्ता और हिंदू मुस्लिम की राजनीति। इस मामले पर खूब सियासी रोटियां सेंकी जा रही हैं। राज्य की बीजेपी सरकार को विपक्षी नेता पानी पी पी कर कोस रहे हैं, लेकिन ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि हल्द्वानी का पैटर्न वही है जो पूरा देश पहले भी देख चुका है।
आपको शाहीन बाग याद होगा। इसी तरह से महिलाओं को आगे किया गया था, इसी तरह से भीड़ जुटाई गई थी। आपको जहांगीरपुरी का मामला याद होगा, जहां बुलडोजर को रोकने के लिए भीड़ जुटाई गई थी। अब हल्द्वानी में वही सब हो रहा है, फिर वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है आपको बताते हैं। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में ये बवंडर मचा है। 78 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। 20 दिसंबर को हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। कोर्ट ने अवैध तरीके से बसी गफूर बस्ती को तोड़ने का आदेश दिया। गफूर बस्ती में 4,365 मकानों को तोड़ने का कोर्ट ने आदेश दिया। इन 4,365 मकानों में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोगों के घर हैं। अतिक्रमण वाली जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने हैं। इलाके के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाले फैसले पर निर्भर करेगा कि इन लोगों के सिर पर छत रहेगी या फिर इनके आशियानों पर उत्तराखंड सरकार का बुलडोजर चलेगा। मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। आपको बता दें कि साल 2016 में नैनीताल हाई कोर्ट ने गफूर बस्ती के नाम पर हो रहे अवैध कब्जे पर सख्त एतराज जताया था। तब रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, लेकिन तब तक गफूर बस्ती में बड़ी तादाद में लोग कब्जा जमा चुके थे। डेढ़ दशक पहले भी गफूर बस्ती में कब्जा हटाने का अभियान चलाया गया। तब कुछ इलाके में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में घरों के नीचे से रेलवे लाइनें निकली थी। इस कार्रवाई का तब भी भारी विरोध हुआ था और सरकार बदलते ही सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। जो जगह खाली करवाई गई थी उस पर दोबारा कब्जा हो गया। पहले कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश ने इन कब्जेदारों का साथ दिया, अब उनके बेटे और हल्द्वानी से कांग्रेस पार्टी के विधायक सुमित हृदयेश अवैध कब्जेदारों के समर्थन में हैं। उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं उत्तराखंड में विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसे सियासी तौर पर भुनाने में अब जोर लगा रही है। हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में यदि 50-55 हजार लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही अत्यधिक दुखद होगा। फिलहाल अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। देश की सुप्रीम अदालत अगर हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे नहीं देता तो 10 जनवरी के बाद धामी सरकार का बुलडोजर हल्द्वानी में 78 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने 4,000 से ज्यादा परिवारों के आशियानों पर चलेगा। हल्द्वानी से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। उत्तराखंड की पूर्व मंत्री इंदिरा हृदयेश के बेटे और हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने तो रेलवे पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि रेलवे हल्द्वानी में लोगों को हटाकर अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करना चाहता है। हमारी सहयोगी रंजीता झा ने उनसे खास बात की है, सुनवाते आप। सरकार को जो पैरवी करनी चाहिए थी, और वैसे भी जो कार्य प्रणाली राज्य सरकार की इस विषय में रही है बड़ी न्यूनतम और शून्य रही है। इसमें बहुत सारी समस्याएं, दिक्कतें जो लोगों को आज सामना जिनका करना पड़ रहा है, वो कोई परेशानी नहीं होती। मैंने पहले दिन से मांग रखी थी सदन के पटल से भी और व्यक्तिगत तौर से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप रेलवे और राजस्व का संयुक्त सीमांकन करा लें। अब देखिए जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो वास्तविक परिस्थिति उत्तराखंड की है, जो हमारे महानगर है जैसे हल्द्वानी हो गया, रुद्रपुर हो गया, हमारा रुड़की हो गया, हरिद्वार, देहरादून, अगर मैं 5 प्रमुख का नाम गिनाऊं, इन 5 में जो नजूल है, जो सरकारी भूमि है, वो 70% है इन महानगरों में जिसमें लोग निवास करते हैं। ये भी नजूल थी, इसमें जो सबसे ज्यादा 2/3 हिस्सा है वो नजूल में है। इसमें लोगों के पास कई सारे सबूत भी हैं, कईयों ने फ्री होल्ड करा ली। अब सब संसाधन वाले लोग नहीं है इसलिए फ्री होल्ड नहीं करा पाए, लेकिन नजूल भूमि पे लोग वास कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। ये कोई ऐसा दृश्य नहीं है अचानक लोग हल्द्वानी नहीं बल्कि ये नहीं ये है, लेकिन जो नजूल भूमि होती है वो राज्य सरकार की है। इसमें सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, मंदिर है 70-70 साल पुराने, धर्मशालाएं हैं, मस्जिदें हैं। आप ऐसा बिल्कुल राज्य सरकार ने अनदेखी अपने नागरिकों को भी
की भी करी और अपनी जमीन को भी खोने को तैयार है। रेलवे का रेलवे अतिक्रमणकारी है, इसमें मेरा आरोप है रेलवे पे। रेलवे अतिक्रमण करना चाह रही है राज्य सरकार की भूमि पे, और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बार बार गुहार करी गई, उनसे बोला गया, लेकिन कहीं जू नहीं रहेंगी। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो कहती सबका साथ सबका विकास है। विकास की बात तो हम बात करेंगे, जब साथ देने का समय आया तो आज ऐसी भयावी परिस्थिति आ गई कि 50,000 लोग सीधे सीधे प्रभावित होने वाले। अगली खबर यूपी से है।